बीच एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह है कि जेलेंस्की से मुलाकात कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जापान में होगी दोनों नेताओं की मुलाकात। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच ये पहली मुलाकात हो सकती है। तो जेलेंस्की से मुलाकात हो सकती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। और इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिरोशिमा पहुंच चुके हैं, उनका प्लेन लैंड कर चुका है। लंबा चौड़ा एक उनका कार्यक्रम है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महात्मा गांधी की एक मूर्ति का अनावरण भी करेंगे और पूरी दुनिया को यहां से शांति और अहिंसा का संदेश देने की कोशिश भारत की तरफ से की जाएगी। आमंत्रित देशों की लिस्ट में भारत है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिरोशिमा पहुंच चुके हैं। तमाम देशों के राजनयिक इस समय वहां पर मौजूद हैं। और तो बड़ा अपडेट जो इस समय मिल रहा है, बड़ी खबर जो मिल रही है, वो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात हो सकती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। जैसा कि अभी विशाल जी न्यूज संवाददाता ने हमें जानकारी भी दी कि G7 जो सदस्य देश है, जब उनकी बैठक हुई तो उसमें रूस और यूक्रेन युद्ध के ऊपर चर्चा हुई थी। विशाल का मैं एक बार फिर से रुख कर लेती हूं। विशाल, अगर ये मुलाकात होती है तो ये बहुत अहम होगी और भारत फूक फूक के कदम भी रखेगा इस मुलाकात को लेकर, अपने बयानों को लेकर, क्योंकि रूस जो है वो भारत का पुराना मित्र देश है। ऐसे में भारत, जिसे कहा जाए कि कूटनीति की दृष्टि से कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहेगा दोनों ही देशों के साथ अपने संबंधों को लेकर। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर भारत का रुख बिल्कुल साफ है। भारत इस पूरे मामले में तटस्थ रहा है क्योंकि रूस भारत का बहुत पुराना मित्र रहा है और आज भी रूस के साथ भारत की दोस्ती बहुत अच्छे स्तर पर है। तो इसलिए भारत इस पूरे मामले उसके बाद से जब पूरी दुनिया दो खेमों में बढ़ती नजर आई थी उस समय भी भारत तटस्थ रहा। भारत ने अपने हितों को देखा, भारत ने रूस से तेल भी खरीदा जिसका भले ही पश्चिम के कुछ देशों ने विरोध किया हो, लेकिन भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बिल्कुल साफ कर दिया था कि भारत अपने हितों को आगे रखता है। और अगर रूस यूक्रेन युद्ध की हम बात करें तो यहां पर प्रधानमंत्री में जो बयान दिया गया था उसी बयान को भारत हमेशा से आगे बढ़ाता रहा है। वो बयान यही था कि ये युग युद्ध का नहीं है। और आप देखिए, अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस होटल पर पहुंचने वाले हैं। यहां पर जो भारतीय कम्युनिटी के लोग हैं वो इंतजार कर रहे हैं। एक बड़ा सा पोस्टर यहां पर लगाया गया है, वो पोस्टर भी मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए हलचल दिखने लगी है। मीडिया के कैमरामैन भागते हुए दिखाई दे रहे हैं, इधर उधर गाड़ी भी लग चुकी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो जहाज है वो इस समय हिरोशिमा एयरपोर्ट पर मौजूद है और दरवाजे खुलने का इंतजार हो रहा है। और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इस तरीके का जब भी कोई कार्यक्रम होता है प्रधानमंत्री का, राष्ट्रपति का, तो मिनट टू मिनट जो कार्यक्रम होता है वो बिल्कुल तय होता है, पहले से हर चीज तय होती है। और अब यहां से एयरपोर्ट से निकलकर सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस होटल में पहुंचेंगे जहां पर वो आराम करेंगे और उसके बाद कल दिन भर उनका एक शेड्यूल रहेगा, उस कार्यक्रम का वो हिस्सा बनेंगे। G7 की बैठक में जापान के प्रधानमंत्री फूमियो के द्वारा उनको आमंत्रित किया गया और उसी का हिस्सा बनने के लिए वो पहुंचे हैं। विशाल, ये तस्वीरें हमें दिखने लगी हैं और बस इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक का। देखिए, अब मैं सबसे पहले आपको ये तस्वीरें दिखाता हूँ। भारतीय लोग यहाँ पर मौजूद हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब किसी भी वक्त यहाँ पहुँच सकते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में तिरंगे झंडे के साथ में जो भारतीय कम्युनिटी के लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ लोगों से जल्दी से और होटल पहुँचने में लगभग कितना वक्त लगेगा प्रधानमंत्री मोदी को? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही एयरपोर्ट से निकलेंगे लगभग 15 मिनट का वक्त उन्हें इस होटल तक पहुंचने में लग सकता है। कुछ लोग उनसे यहां पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। कितना उत्साह है भारतीय नागरिकों में यहां पर जब प्रधानमंत्री मोदी हिरोशिमा पहुंच रहे हैं? वी आर रियली प्राउड ऑफ, हमें अपने प्रधानमंत्री पे अभिमान है जो दुनिया में एक संदेश लेके यहाँ से जा रहा है जबकि दुनिया में वॉर चल रही है। और ये एक पीस, जहाँ पर बम एटम बम गिरा था वहाँ पर पीस का संदेश लेके जा रहा है। गांधी जी की भी वो प्रतिमा को उसका भी करने जा रहे हैं एंड वी आर प्राउड ऑफ मोदी जी। मोदी पर इन्हें गर्व है, तस्वीरें मैं लगातार दिखा रहा हूँ क्योंकि बहुत खास है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह जापान दौरा, हिरोशिमा दौरा। 3 दिनों तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। एक तस्वीरें मैं आपको और दिखा देता हूँ, आगे देखिए छोटे बच्चे यहाँ पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार में बैठते हुए नजर आ रहे हैं, मोदी
साहब कार में अब बैठ चुके हैं और अब एयरपोर्ट से बस कुछ ही क्षणों में उनकी रवानगी होगी और निकलकर वो सीधे होटल जाएंगे जहां पर वो आराम करेंगे। देखिए तो जहाज का दरवाजा तो हमें खुलता हुआ नहीं दिखा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार में बैठते हुए जरूर दिखाई दे रहे हैं और कुछ सेकंड के लिए हमने ये फ्रीज किया और ये सबसे पहली तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जापान के हिरोशिमा पहुंचने के बाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रवाना हुए थे भारत से इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से और अब जापान के हिरोशिमा में उनका प्लेन लैंड कर चुका है और ये सबसे पहली तस्वीर इस समय हम जी न्यूज पर आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार में बैठने जा रहे हैं और यहां से देखिए ये कारों का जो काफिला है वो रवाना हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से निकलकर होटल पहुंचने वाले हैं। जी न्यूज संवाददाता विशाल पांडे हमें जानकारी दे रहे थे कि लगभग 15 मिनट का वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगेगा होटल पहुंचने में और इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी आराम करेंगे और कल एक लंबा चौड़ा कार्यक्रम होगा। 3 देशों के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जापान से पापुआ न्यू गिनी और फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया जाएंगे और तमाम देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष इस समय हिरोशिमा में मौजूद हैं उनके साथ मुलाकात भी हो सकती है। जो बड़ी खबर है वो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को लेकर है कि उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत हो सकती है, लेकिन ये सबसे पहली तस्वीर है। हम इस समय हिरोशिमा एयरपोर्ट से आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिखा रहे हैं। गाड़ी में बैठ चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहां से ये काफिला रवाना हो चुका है। विशाल, अब मुझे लगता है कि यहां से रवाना हो चुके हैं, 10 से 15 मिनट का वक्त आप बता रहे हैं और होटल पहुंच जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कल दिन भर वो व्यस्त रहेंगे। फिर देखिए बिल्कुल, और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की काफ़ी ऐतिहासिक यात्रा रहने वाली है और फिलहाल यहाँ पर तैयारियाँ देखकर ये लगता है कि पीएम मोदी मात्र 10 मिनट के अंदर ही यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। सिक्योरिटी अरेंजमेंट यहाँ पर जिस तरह की दिखाई दे रही है, पीएम मोदी किसी भी वक्त अब इस होटल पर पहुँच सकते हैं जहाँ पर भारतीय समुदाय के लोग उनका इंतज़ार कर रहे हैं बहुत बेसब्री से पीएम मोदी को देखने के लिए, यहाँ पर पहुँचे हुए उनसे मुलाकात करने के लिए। क्योंकि आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिनों की जापान यात्रा पर पहुँच रहे हैं और ये यात्रा बेहद खास इसलिए है कि G7 का जो समिट है उसमें गेस्ट कंट्री के तौर पर भारत शामिल हो रहा है। तमाम बड़े मुद्दे हैं जैसे वॉइस ऑफ जो ग्लोबल साउथ की बात भारत की तरफ से की जाती है, उन देशों को और ज़्यादा मुखर बनाना और ज़्यादा मजबूत बनाना, इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस रह सकता है। क्लाइमेट चेंज पर प्रधानमंत्री मोदी का फोकस रहेगा। इसके अलावा जो शांति सबसे बड़ा मकसद है भारत का, शांति और स्थिरता पूरी दुनिया में बनी रहे, इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बात रख सकते हैं। साथ ही खाद्य सुरक्षा और खाद्य की जो सुरक्षा है, इसके अलावा क्लाइमेट चेंज, लैंगिक समानता, ऐसे तमाम बड़े मुद्दे हैं जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन अभी तक जो सबसे बड़ी सूचना निकलकर सामने आ रही, जिसकी आधिकारिक पुष्टि भले नहीं हुई है, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच मुलाकात हो सकती है। युद्ध जब से शुरू हुआ है रूस यूक्रेन के बीच, उसके बाद से भारत के प्रधानमंत्री और जेलेंस्की के बीच में यह पहली मुलाकात होगी अगर हिरोशिमा में होती है। और अगर यह मुलाकात होती है तो हर किसी की निगाह, पूरी दुनिया की निगाह इस मुलाकात पर होगी, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री की तरफ पूरी दुनिया देख रही है। कई बड़े नेता जो विश्व स्तर के हैं वो ये कह चुके हैं कि रूस और यूक्रेन के युद्ध को अगर कोई रुकवा सकता है तो वो भारत है। तो ऐसी स्थिति में देखना ये होगा कि जब अगर ये मुलाकात होती, क्योंकि बार बार हम ये कह रहे हैं कि इसकी अभी तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अगर ये मुलाकात होती है तो कई मायनों में बेहद खास होगी। क्या संदेश यहां से निकलेगा, क्या बातचीत यहां पर होगी, उस पर पूरी दुनिया की नजर रहेगी। लेकिन G7 समिट में आना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा समिट में शामिल होने से पहले महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण करना, यह काफी बड़ा संदेश है। और महात्मा गांधी जिन्हें शांति का प्रतीक माना जाता है, उनकी प्रतिमा का अनावरण उसी जगह पर करना जहां पर परमाणु बम से हमले किए गए थे, तो यह मैसेज है सीधा तौर पर पूरी दुनिया को कि शांति का युग है, शांति ही पूरी दुनिया की स्थिरता के लिए काम होगा। और यहां पर देखिए जो भारतीय समुदाय के लोग हैं उनसे कुछ बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्याम सिंह राजपुरोहित। श्याम सिंह जी, कैसे देखते हैं भारत जापान की दोस्ती को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस हिरोशिमा दौरे को? आप जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, जब से मैं 20 साल से जापान में रहता हूं। तो ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये पहली झलक भी आप देख सकते हैं सभी जी न्यूज की स्क्रीन पर। हिरोशिमा में मौजूद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अब यहां से वो निकलकर सीधे एयरपोर्ट पहुंचेंगे, वहां पर आराम करेंगे और उसके बाद कल उनका एक लंबा चौड़ा कार्यक्रम होगा। 3 देशों के दौरे पर है प्रधानमंत्री। Z News.